कि आज यहाँ बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है वह न सिर्फ ओबीसी विरोधी है बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज विरोधी भी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा यानी कि मायावती की पार्टी जो है वो बिहार में अपने पैर जो है वो पसार रही है और तैयारी जो है वो भड़कस की जा रही है। इसी कड़ी में आज पटना के ज्ञान भवन में बसपा की तरफ से पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, मुख्य मंच की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बसपा यानी कि मायावती की पार्टी की तरफ से जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। भीड़ भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग जो हैं वो इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए थे। दरअसल इस सम्मेलन में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी शिरकत किया और जिनका स्वागत जो है वो बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने इस तरीके से किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मोमेंटो देकर बसपा के प्रभारी अनिल सिंह ने आकाश आनंद का जो है वो स्वागत जो है वो किया गया। कुल मिला कहें कि कार्यक्रम जो है वो ज्ञान भवन में रखा गया, बात की गई पिछड़े की, अति पिछड़े की बात की गई, उनके अधिकारों की, जब बोलने की बारी मायावती के भतीजे आकाश आनंद की आई तो उन्होंने खूब खिंचाई की है बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार को। नाम तो उन्होंने तेजस्वी और नीतीश का नहीं लिया लेकिन आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरीके से बिहार में जो सरकार चल रही है तेजस्वी और नीतीश की वो पिछड़े और अति पिछड़े के लिए जो है वो सही नहीं है और पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए कुछ भी जो है वो नहीं कर रही। आगे आप वीडियो में पूरा बयान जो है वो आकाश आनंद का सुनिए, किस तरीके से ललकार रहे हैं, दहाड़ रहे हैं पटना आकर। आज यहाँ बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है वह न सिर्फ ओबीसी विरोधी है बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज विरोधी भी है। बिहार में पिछले 33 वर्षों से ये दो पिछड़े समाज के नेता बिहार में सरकार चला रहे हैं, परंतु बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों की हालत आज भी वैसी ही है जैसे पिछले 33 साल पहले थे। ना तो ओबीसी समाज को आज तक सुरक्षा दे पाए ये सब, ना तो ओबीसी समाज को आज तक शिक्षा दे पाए ये, और ना तो ओबीसी समाज को आज तक रोजगार दे पाए ये। आज भी बिहार के छात्रों को बाहर के प्रांतों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ती है। बहुत से पिछड़े समाज के लोग तो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं, पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, तो फिर बेचारे मजदूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। बिहार की सरकार ने पिछले 33 साल में आज तक यहाँ पर कोई भी रोजगार के मौके हमारे पिछड़े अति पिछड़ों को नहीं उपलब्ध कराए। आज भी हमारे यहाँ से बिहार के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जाकर अकेले रहकर मेहनत कर अपना पेट पालते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं। यहाँ की दोनों सरकारों ने पिछले 33 साल में सिर्फ कुछ ही एरियाज में उपलब्धि पाई, जैसे कि बिहार को भारत में तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन दोनों ने बेरोजगारी के मामले में। आज बिहार में लगभग 17% दलित और 36% अति पिछड़े लोग समाज के लोग रहते हैं। आज बिहार को भारत में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जहां पर एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ साथ पिछड़े समाज पर अत्याचारों के केस दर्ज किए जाते हैं। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री हमारे समाज को सुरक्षा और रोजगार ना दे पाए,
मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उसे गद्दी पे बैठने का हक है? इतनी तेज आवाज नहीं आई है, इतनी तेज है कि वो बैठी कुर्सी से गिर जाए, क्या उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का हक है? आज आप सबने बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी सरकार।